हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, डाइस के चैप्टर में हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, ओपन डाइस हमारा चला था। आज हमारा ओपन डाइस खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम चलेंगे अपने लैंग्वेज बेस्ड कुछ टाइप नंबर 5 पे। उसके बाद से हमारा जो पहला टाइप बच गया था सिंगल डाइस का, उस पर हम देखेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। आज हमारा है ओपन डाइस का, आज लास्ट लेक्चर है ओपन डाइस, इसमें फटाफट हम पढ़ लेंगे। कुछ क्वेश्चन रह गए हैं आपको। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा सर सेलेक्टेड क्वेश्चन बता के आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा रहा हूँ आपका। क्वेश्चन के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमारी एक क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स जो हम लेकर आएंगे ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें आएंगी। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो देखिए, ये ओपन डाइस का थोड़ा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, आपको 1.5 या 1.25 पे स्पीड करने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग अलग थोड़ा सा होता है टीचरों का, थोड़ा सा फास्ट में आपको थोड़ा सा धीरे करने की कोशिश करूंगा। एक्सप्लेनेशन मेरा एकदम क्लियर रहेगा, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा अपना एक फंडा जो फास्ट और स्लो का होता है उस पर नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका जरूर क्लियर करवा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें आप। ठीक, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन आपको ध्यान से दिखा, MNO, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से दिखा, इसको ध्यान से देखिए। इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे ओपन डाइस में बताया था कि ऑल्टरनेट नंबर, तो M का ऑपोजिट ब्लैंक है, इसका मतलब खाली यानी ब्लैंक। M का ऑपोजिट ब्लैंक है, इसका ऑपोजिट, इस ब्लैंक का ऑपोजिट ये ब्लैंक है। ठीक, बचा कौन सा, O और N और O बचा, तो N का भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, जो हमें ये कंफर्म केस मिल चुका है। ठीक है, ये हमारा कंफर्म है, ये मतलब कंफर्म है ये हमारा। ठीक, क्लियर है। इसके हिसाब से ये जो जितनी डेटा हमें दी हुई है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 1, 2, 3, 4, हमने बस थ्री जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमने उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो पुरानी ट्रिक लगाइए कि टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, दो विपरीत संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक साथ नहीं दिख सकती। उसके बाद से इसमें क्या है कि देखिए, एम और एन, एम का ऑपोजिट क्या है, ओ है। एम का ऑपोजिट क्या है, हमारा ब्लैंक है, इसका हमारा ये ब्लैंक है। एन का ये हमारा क्या है, ओ है, एन का ऑपोजिट ओ है, तो एन और ओ का जो हमारा सरफेस है एक साथ चिपका हुआ है, एक साथ लगा हुआ है, तो ये हो नहीं सकता। इसमें भी सेम है, ये हमारा हो नहीं सकता। इसमें एम में हो सकता है क्या, एम में हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। इस थर्ड वाले में क्यों नहीं सकता, एम का ऑपोजिट क्या है, खाली है, तो M का ऑपोजिट या तो इसको अपोजिट लें या तो इसको अपोजिट लें, तो ये दोनों खाली हैं, तो ये भी विपरीत नहीं हो सकता, ये भी विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों, अरे सॉरी, ये M का विपरीत हमारा क्या है, ब्लैंक है यानी खाली है। तो M का जब ब्लैंक खाली है, तो ये दोनों सतह हमारी क्या हो जाएगी, ये दोनों सतह एक साथ दिख रही है, M के साथ दिख रही है। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ, M का विपरीत खाली था, तो M का सटा हुआ सरफेस खाली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि N और O है, N और O जब तीनों पीछे जब सटी, ये तीन सतह जो दिखती है आपस में सटी होती है, जो छिपी हुई सतह होगी वो भी सटी हुई होगी, तो जाहिर सी बात है N और O तीनों सतह में, N और O कहीं ना कहीं होंगे, जब तीनों छिपी हुई भी सटी हुई होगी, तो N और O का भी सतह छिपा हुआ होगा, तो वो दो अपोजिट नंबर एक दूसरे के साथ फिर नहीं देखे जा सकते। तो इस हिसाब से हमारा ये गलत हो गया, हमारा बचा ये N, N के साथ O है, कोई एक संख्या दिखनी जरूरी है, ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए आप लोग, ED 1 2 3 4, इसमें मैं पहले संख्या भर लूँ, नंबर्स A B C 2 1 3 E। ठीक, तो हमारा होगा E होगा, D होगा, इसमें हमारा 4 1 2 3,
जो हमारा बी होगा जो हमारा ऊपर वाला सतह है उसमें है डी, इसमें है बी, इसमें है 1 2 3 4, जो हमारा सी होगा ए बी सी, जो हमारा डी होगा बी डी सी। ठीक, आइए इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक, बिल्कुल, आपको थोड़ा सा ये एक बार छूट गया है, एक बार इसको भर देता हूँ, यहाँ हो जाएगा डी। ठीक है, क्लियर है सबको, ये हो गया डी। ठीक है, चलिए ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, 1 2 3 4, ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, लेकिन इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व होगा देखेंगे। डी का ऑल्टरनेट हमारा क्या है, ई है। डी का ऑल्टरनेट हमारा ई है, यानी डी के विपरीत ई हो जाएगा। ए का हमारा क्या है, सी है। ए का हमारा सी हो जाएगा। ठीक, ए का हमारा सी हो जाएगा। देखो ये खुला पासा है, खुले पासे में एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, कभी भी कोई इसके जो पीछे वाली सतह है वो क्या है, खाली है, उसमें कुछ भरा नहीं गया है। तो ये पासा जब फोल्ड होगा तो आगे से ऐसे फोल्ड होगा, आगे से ऐसे फोल्ड होगा, ताकि ये जो नंबर है ऊपर के साइड में दिखाई होंगी, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होगा। ठीक, तो ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है एक दूसरे के ऐसे ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्ट रहेंगे, ऐसे मिलेंगे। ठीक, इसका जो नोज है एक बार देख लेता हूँ, ट्रायंगल है ऐसे, कुछ इस तरह से ये जो दो ट्रायंगल वाले शेप है कुछ इस तरह से आपस में मिलेंगे। ठीक, ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जो ट्रायंगल वाली शेप है वो इस तरह से कुछ आपसे ऐसे मिलेगी। ठीक, इससे ये अटैच होगा, इससे ये अटैच होगा, अभी किसके अटैच क्या होगा ये चीज़ हम फिलहाल ध्यान रखेंगे। ये हमारा चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, ठीक है, हमारा हमने क्या देखा कि डी का विपरीत ई है, ए का विपरीत सी है, तो जो बी होगा ना, जो बी होगा ना, ये जब फोल्ड करके, जब ये चारों नंबर फोल्ड करके जो एक सतह बनाएंगे उसका विपरीत भी होगा, उसका विपरीत भी होगा। ठीक, तो बी का ऑपोजिट क्या होगा, 1 2 3 और 4, ये जो नंबर हमारे होंगे ये इसके विपरीत होंगे। ये पूरी एक सतह है, ये पूरी एक सतह है हमारी। ठीक, क्लियर है सबको। अब आगे देखते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, डी और ई, इसमें हम देखेंगे डी और ई साथ में, लेकिन डी और ई विपरीत है, तो ये हमारा ऐसे ही कट गया। ठीक, इसमें देखेंगे डी और बी, डी और बी एक साथ नहीं है, तो अब हम नंबर के देखेंगे, नंबर किसके साथ है, डी का जो है ए के साथ, एक के साथ अटैच है, डी का जो सरफेस है ए के साथ अटैच है, बी का किसके साथ अटैच है, बी का किसी के साथ अटैच नहीं है, बी का विपरीत, ये जो नंबर चारों, ये जो चारों नंबर ऐसे जुड़ेंगे, जो चारों नंबर ऐसे जुड़ेंगे कैसे जुड़ेंगे ये मैं बता देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे जुड़े, ये ऐसा जुड़ा, फिर ये हमारा जो इसके बाद से वाला जो, ये एक इधर से जुड़ेगा, एक हमारा ट्रायंगल इधर से जुड़ेगा, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 ट्रायंगल हो गए। तो ये जो नंबर, मान लीजिए कोई 1 2 3 4 कोई भी नंबर किधर भी आए, इसका जो विपरीत, इसका जो विपरीत वाला सतह होगा, ये तो नंबर वाला सतह होगा, इसका विपरीत वाला सतह होगा वो बी का होगा, तो बी इन सतह के साथ नहीं दिख सकता, ये ऐसे गलत हो गया। क्लियर है, इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारा क्या सीन है, ए और बी का है। ठीक, बी और सी, ए और सी पास में रहते, ए और बी पास में नहीं रह सकते। ठीक, इसका कैसे हम करेंगे, इसका जैसे मान लीजिए बी का नीचे वाली सतह ये हो सकता है, ए का ऑपोजिट सी है, ए का विपरीत सी है, नीचे बी का तो सतह हो सकता है, लेकिन ए और सी साथ में चिपके हुए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी और सी साथ में नहीं है, डी और सी साथ में नहीं, डी और ई का ऑपोजिट है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखा कैसे सिंपल तरीके से आपने इसे सीखा, एक न्यू कॉन्सेप्ट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है SSC CGL में ये पूछा है ये क्वेश्चन। एक डी बी ई ए और सी, 1 2 3 4, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन आपका बदल जाएगा। ऑप्शन में इसमें दे रखा है, इधर बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ,
ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, इसमें क्या है हमारा, ए है, डी है, 4, 1, 2, 3। बी ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमारा है 1, 2, 3, 4। सी ऑप्शन देखते हैं। सी और ई दिया है सी ऑप्शन में, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। आप लोग सॉल्व करते रहिए, क्या आएगा। ठीक, 1, 4, 3, 2। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सतह किसके ऑपोजिट होगा। ठीक, इसमें हम भी देखने, ये आपने क्वेश्चन देखा ध्यान से। अब देखिए, ये डी का विपरीत क्या है हमारा, ई है। ऑल्टरनेट सतह डी का विपरीत है, ए का विपरीत क्या है हमारा, सी है। ए का हमारा सी आ गया। ठीक, जो ये बी होगा, ये बी होगा 1, 2, 3 और 4। ये जो सतह हमारी होगी, ये सतह हमारी लगी होगी इसमें आप देखेंगे। ठीक, ये जो सतह, ये अलग से जो सतह नंबर का बनेगा उसका विपरीत हमारा होगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ए और डी तो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो सतह हमारी मैच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डी के साथ क्या लगा है, 1 लगा है। ठीक, डी के साथ क्या लगा है, 1 लगा है, क्लियर। और हमारा ए के साथ क्या लगा है, 4 लगा है। ये तो चीज़ ठीक है, उस तरह से सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं, सारी चीज़ें ठीक दिख रही हैं। तो नंबर्स को जब हम अटैच करते हैं ना ट्राइंगल को, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। नंबर्स को जब हम अटैच करेंगे तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो आपका पेपर ऐसे नहीं फोल्ड होगा, जो डाइस होगा ऐसे नहीं फोल्ड होगा, पीछे के साइड ऐसे होगा, पीछे के साइड ऐसे होगा, तो नंबर एंटी, तो ये क्लॉकवाइज जो लिए हैं क्लॉकवाइज, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो क्या आएगा, 4, 3, 2, 1, क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो इसमें अगर आप एंटी क्लॉकवाइज देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए आप क्लॉकवाइज ऐसे देखेंगे तो क्लॉकवाइज 1, 3, 2, 4 तब भी काम नहीं कर रहा, लेकिन क्लॉकवाइज हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एंटी क्लॉक देखना है। जब नंबर पीछे के साइड में फोल्ड होगा ना, तो एंटी क्लॉक चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें एंटी क्लॉक हो जाएंगी। ठीक, इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे कि आप घर पे ये चीज़ पेपर कटिंग से काट कर देख सकते हैं, बिल्कुल भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, देखो जब तक खुला है तब तक 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज लेंगे, जब तक खुला है, ये ओपन कंडीशन में है। जब क्लोज कंडीशन में होगा, क्लोज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, यानी 4, 3, 2, 1 या फिर 1, 4, 3, 2 ऐसे लेंगे, तो 1, 4, 3, 2 या फिर 4, 3, 2, 1 ऐसा एंटी क्लॉक में भी नहीं आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं, इसमें फिलहाल मैंने फिल नहीं किया, मैं फिल कर देता हूँ। ठीक, इसमें क्या है आपका, बी है और डी है, इसमें बी और डी है। ठीक, बी और डी, बी भी एक दूसरे और डी भी एक दूसरे से नहीं है। इसमें अब देखते हैं क्लोज हुआ तो क्या हुआ, इसमें 4, 3, 2, 1 इसमें आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखेंगे, इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा, देखिए इसमें नहीं सही होगा, देखिए एक मिस्टेक आपको, एक मिस्टेक हो रही थी इसमें। आप देखिए डी का जो सतह, इसमें हमने एंटी क्लॉक लिया तो 4, 3, 2, 1 ये वाली चीज़ें तो हमारी सही आ रही थी, लेकिन हमने जैसे देखा कि डी का जो सतह है, डी का जो सरफेस है, ए के साथ अटैच है, लेकिन डी का जो सरफेस है यहाँ पे 2 के साथ अटैच है। बी का जो हमारा, बी का जो हमारा सरफेस है, बी किसका ऑपोजिट होता है, नंबर्स का ऑपोजिट होता है, तो बी तो सटा हुआ सतह है इनके भी, तो 2-2 मिस्टेक इसमें निकल गई, तो ये भी ऐसे नहीं हो सकता। आइए अब सी में देखते हैं, ई का जो सरफेस है किससे मिला है, 3 से मिला है, यहाँ पे 3 से मिला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। सी का 2 से मिला है, सी का 2 से मिला है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ई और सी का देखते हैं, ई और डी का है, तो इसमें हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, जब क्लोज हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, 4, 3, 2, 1 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर, ये हमारा सही हो जाएगा। ये वाला देखते हैं हम, ये वाला हम देखते हैं, सी के साथ 2 है हमारा सतह जुड़ा हुआ है, सब चेक कर लेंगे, ई के साथ हमारा 3 जुड़ा हुआ है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें हम आइए अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, ए और ई भी हमारा ऑपोजिट नहीं है, तो इसमें हम मिला लेंगे। ई का सतह क्या है, ई से जुड़ा 3 है, ई से जुड़ा 3 है,
ए से जुड़ा हमारा क्या है, ए से जुड़ा हमारा 4 है, ए से जुड़ा हमारा 4 है। तो लेकिन मैंने क्या बताया, ए से जुड़ा 4 है, ए से ई से जुड़ा 3 है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 होता है, एंटी क्लॉक में 4 3 2 1 होगा, तो 4 1 2 3 दिया, ये उल्टा, ये अच्छे से नहीं दिया है, मतलब एंटी क्लॉक ये नहीं, 4 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 2 आना था, यहाँ पे 1 आना था, यहाँ पे 1 आना था, नहीं हो रहा है, ये ऐसे गलत हो जाएगा, हमारा एक ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक, क्लियर है, चाहो क्लियर है। ओपन डाइस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक, ओपन डाइस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे चलिए, आपको फिगर देख के कुछ तो आइडिया हो गया होगा कौन सी सतह क्या होगी, किससे चिपकेगी जाके, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन हमारा है डी बी, वन टू थ्री फोर, दूसरा ऑप्शन है हमारा डी, ए, बी, सी, और हमारा चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या निकालेंगे, इसका ऑल्टरनेट निकालेंगे, डी का ऑल्टरनेट क्या है हमारा, डी का ऑल्टरनेट हमारा यहाँ पे ई है, ठीक, ए का ऑल्टरनेट हमारा क्या है सी है, सी है, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है, सी है, ठीक, आपको दिख गया होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको जब फिगर, कोई भी फिगर फोल्ड होगा, तो कोई भी फिगर फोल्ड होगा तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी बी जो होगा ये उसका ऑपोजिट होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो 1 2 3 4, लेकिन ये एंटी क्लॉक के केस में, ये तो अभी ऑपोजिट है, मान लीजिए 1 2 3 4 क्रम से नहीं है, एंटी क्लॉक केस में 4 3 2 1 आता है जब क्लोज हो जाता है, तो ठीक, इसमें हम देखेंगे बी डी और बी, ये डी है, डी और बी, ठीक, डी और बी, तो डी के साथ अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी सतह, डी के साथ आप देखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स फोल्ड होके ऊपर जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, तो बी के ठीक अपोजिट जाएंगे, क्योंकि बी एकदम बीच में है, तो ये तो सतह इनकी, ये जो नंबर्स हैं इनकी सतह बी से चिपकी हुई है, तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें मैंने नंबर नहीं लिखा, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक, आज पता नहीं कहाँ ध्यान है मेरा, बड़ा नंबर नंबर मैं भूल रहा हूँ, नंबर है 1 4 2 3, इसमें लिखते थे डी और ई, डी और ई एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक साथ सतह यहाँ पे दिख रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अब इसमें देखेंगे ए बी सी, ए बी सी, ठीक, ए बी सी, ए बी सी हमने देखा, तो ए बी सी हमारा क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ए से अगर बी जाएंगे क्लॉकवाइज है, तो ए बी सी हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है हमारा, ठीक, क्या ये सतह हमारी बी की हो सकती है, क्या क्या यह सतह हमारी हो सकती है, अगर हमने इसको फ्लैट खोला तो ये सतह हमारी हो सकती है क्या, ठीक, अभी इसको आप अभी रहने दीजिए, ये जो हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, अभी बाकी दो ऑप्शन से आपको क्लियर करके बताता हूँ कि ये हमारा होगा कि नहीं होगा, ठीक। इसमें आप देखेंगे हमारा क्या है कि डी बी सी, डी बी सी हमारा एंटी क्लॉक आ रहा है, ये हमारा सही हो गया, डी बी सी हमारा एंटी क्लॉक आ रहा है, डी के बाद बी आ रहा है, ठीक, बी के बाद हमारा सी आ रहा है, यानी डी से भी सतह सटी हुई है, सी से भी सतह सटी हुई है डी की। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, इसमें मैंने आपको बताया कि D से B की सतह तो सटी हुई है,
डी बी की सतह सटी हुई है, सी की सतह हुई है, और एंटी क्लॉक भी आ रहे हैं और यहाँ भी एंटी क्लॉक आ रहे हैं कि दोनों सतह सटी हुई है, दोनों सतह यहाँ भी दोनों सतह सटी हुई है, खोला हुआ है तो। लेकिन इसमें क्या है, ए और बी का तो सतह सटा हुआ है, क्या ए और सी का सतह सटा है, क्या ए और सी का सरफेस चिपका हुआ है, क्या नहीं चिपका है, लेकिन ए और सी का यहाँ पर सतह चिपका हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक ठीक है, आज हमारा ओपन डाइस खत्म हो गया। अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर करते रहिए, हमारा कोर्स को जल्दी जल्दी परचेस करिए। ठीक है, चलिए कल जो हमारी जो वीडियो आएगी, जो हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, एक सिंगल वीडियो होगा जिसमें हम लैंग्वेज बेस्ड जो फिफ्थ टाइप था और जो पहला टाइप सिंगल डाइस का था वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए।